परवीन भाई। परवीन भाई, अरे अभी तो भाई मत बोलो, परवीन बोलो, परवीन। ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब, मेरा घर में कहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कर का आदमी हूँ। मेरे घर में एक विस्की का खाली बोतल नहीं मिलेगा, आपको दूध का बोतल भी नहीं मिलेगा। आपका नाम शंभू है? शंभू, शंभू। थैंक गॉड, आप गलत घर में आ गए। मेरा नाम शंभू नहीं, मेरा नाम प्रवीण भाई है। जाइए जाइए आप लोग। बेचारा घबरा गया। क्यों क्यों शंभू भाई घबरा क्यों गए? शंभू भाई, सेक्रेटरी भाई, बोला भाई, आप लोग बेवक्त क्यों आ गए? आप जाइए, अरे शंभू भाई, कल तो आ ही जाऊंगा, लेकिन आज शंभू भाई, इन दोनों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्यों शंभू भाई? अरे शू कोचो, मारो नाम में गलत बोलता है, मैं प्रवीण भाई हूँ। अरे तुम डरते क्यों हो शंभू भाई? ये लोग रेड वेट करने नहीं आए, ये लोग अपने दोस्त हैं, तुम अपना असली नाम बता दो। क्या मजाक क्यों कर रहे हो शंभू भाई? तुम बोरीवली वाले शंभू भाई हो कि नहीं? नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ। तुम खंडर वाले शंभू भाई हो कि नहीं? नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ। तुम लड़की वाले शंभू भाई हो कि नहीं? नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ। तुम फांसी वाले प्रवीण भाई हो? नहीं मैं फांसी वाले प्रवीण भाई हो। मैं शंभू। अरे प्रवीण भाई, आप शत्रु, जरा इनसे कह दो कि मैं कौन हूँ। तुम जानते हो इसे? हाँ, ये प्रवीण से है। समझ गया। क्या समझ गए? कुछ हमें भी तो समझाइए। सीता और गीता, एक लड़की दो चेहरे, दो चेहरे एक लड़की, जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा, कोई लाश नहीं, कोई लाश नहीं, कोई लाश आप हमें यहाँ इस खंडर में क्यों ले आए? क्यों भूल गया बोरीवली? ओहो बोरीवली। लेकिन सेठ, हमें माल देने के लिए आप यहाँ खंडर में काली रात को? काला पैसा देना है ना। और भोला भाई, एक और काम भी है। देवी जी, यही वो जगह है जहाँ इनकी औरत और आपकी बहन दफन है। आप अपनी बहन का दर्शन तो करना चाहो? जी हजूर की बातें क्यों करते हो, माल की बात करो ना। नहीं नहीं भोला भाई, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं आज आप दोनों को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपनी औरत को और आप अपनी बहन को आखिरी बार देख लें, और मैं लाश को पुलिस के हवाले करके हमेशा के लिए फांसी पे लटक जाऊं, कब्र खोदो। अरे सेठ जी, कब्र खोदने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हम आपको फांसी लगवा देंगे। नहीं नहीं, कब्र तो खोदनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी बहन की कब्र खोदने नहीं दूंगी। मुर्दे को दफन करने के बाद खोदना बहुत बड़ा पाप है। सेठ जी। नहीं नहीं बहन, आप नहीं समझती, कब्र को खाली रखना उससे भी बड़ा पाप है। अरे अरे सेठ प्रवीण भाई जी, क्या कर रहे हैं आप? तुम दोनों मेरा माल खा खा कर बहुत जाड़ा थी क्या? चो बहुत मोटा हो गया हो। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, कब्र खोदो, जल्दी खोदो। खोदता हूँ खोदता हूँ सेठ जी, अब तो खोदनी पड़ेगी। जरा पिस्तौल तो हटाइए ना, जल्दी करो, खोदो कब्र। सुनिए सेठ जी, ये पाप की जिम्मेदारी आप पे होगी। अब मरने वाले की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। शट अप, कब्र खोदो। भोला भाई,
भाई, कभी दिन लंबे होते हैं तो कभी रात, चोर को मोर मिल ही जाता है। खोदो और याद रखो, अगर इसमें से लाश नहीं निकली तो मैं एक लाश की जगह पे दो लाशें गाड़ दूंगा। सेठ, बहुत प्यास लगी है। हाँ सेठ जी, बहुत प्यास लगी है। हम पानी पी गए, अभी आते हैं। हेलो, प्यास लगी है, अभी थोड़ी बार में भूख भी लग जाएगी। मुझे उल्लू बना रहे हो? खोदो वरना गोली मार दूंगा। खोदो। मारे गए। चलो देखते हैं। मारे ते गामड़े एक बार आवजो, मारे ते गामड़े एक बार आवजो, मारे ते गामड़े एक बार आवजो। जल्दी करो। मारे ते गामड़े एक बार आवजो, मारे ते गामड़े एक बार आवजो, मारे ते गामड़े एक बार आवजो। ये लीजिए सेठ जी, अब हम जाते हैं, आप खुद खोल लीजिए। जी, अब हमें जाने दीजिए। नहीं, तुम खोलोगे। नहीं नहीं सेठ जी, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नहीं, नहीं तुम खोलोगे। नहीं सेठ जी, खोलो। मारी ना क्या प्रवीण भाई ने? आइए आइए सेठ जी। चलिए मुर्दे को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। लेकिन आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रायश्चित नहीं करना, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं पैसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा, तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। हे देवी, ये सब तुम्हारी कृपा है। देवी, सब तुम्हारी कृपा है। परवीन भाई को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, परवीन भाई पे अपना हाथ रखना। कोई मरी क्यों? नहीं ना, कौन मरी क्यों? मारा ससुरा गुजरी गया। तारा ससुरा गुजर गया? तारा ससुरा के मेरे बाप कौन बोला? तार आया छे। तार पड़ा? नहीं। ओहो, तो तार पढ़ तो लो। अराइविंग फ्लाइट 1230 जय किशन। ओहो कांता, आ तो जय किशन का तार है। जय किशन कौन छे? जय किशन मारा मोटा भाई, अमेरिका थी आवे छे। तुम्हारा मोटा भाई? हाँ। मतलब मारा जेट आवे छे? तारा जेट आवे छे, जट्टी आवे छे, जट्टी आवे छे। What a lousy entrance! Is seven squatter me Praveen Bhai idhar rehte? Haan Sheth ji. Sheth ji, tum amko gali diye? No no no, Sheth ji ka matlab ho hai big boss. Hey boy, that's right, I'm the big boss. Yankees coming home. Wow. Praveen. Kaun hai bhai? Kaun mangta hai aapko? भाई, तुम्हें? लेकिन आप ऐसा बदल कैसे गया? ये आपके बालों को क्या हुआ? ये आपकी आंखें? बैकवर्ड बैकवर्ड, पुराना हजावत। ओह गॉड, पुराना कयालत। हमारा देश कंट्री और समय में नीला आंख, विंटर में काला आंख, चश्मे की जरूरत नहीं। नो। अच्छा अच्छा, तो मॉडर्न चश्मा लगाया आपने। अरे 13 साल के बाद आया है भाई, जरा गले तो मिल ले। ओह गॉड गॉड, क्या कर दो, टिकलिंग गुड गुड डे। नाउ अंदर चले। चलो जय किशन भाई। जय किशन? नो, जैक्सन जैक्सन, अंडरस्टैंड? अच्छा अच्छा जैक्सन भाई, आओ। कम ऑन। ये नाउ व्हाट से व्हाट यू डूइंग? Fire brigade, bells ringing. Shudu, kya hua?
इफ्रीत लेडी हमको जलाने मांगता, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। मोटा भाई ये तो आपकी आरती उतारती है। क्या उतारती? आरती, ये तो इधर का कस्टम है। कस्टम? एयरपोर्ट पे कस्टम? घर में कस्टम? नहीं नहीं, ये तो हमारी पुरानी संस्कृति है, ओल्ड कस्टम। आई गेट यू, आई सी, बट हु, कौन है ये फैट लेडी? लेडी नहीं, ये तो कांता बहन है। बहन, यू मीन पिताजी अगेन वापस शादी किया? नहीं नहीं, ये तो कांता है, कांता मेरी बाईड़ी, मेरी धर्म पत्नी है। Oh, my sister-in-law, Bobby. Yes, I remember. Yada. So, Shadi ki hai. Ja, ja. Mota bhai ne charan chua. Oh, thank you. Thank you, sweet sister-in-law. May God bless you. Aapko tumhara jaisa bahut bachcha hoye. Dekho, mua kyu kare che? Are, nahi Kanta. तारा जेठ तो अमेरिका थी आया है ना, तो उधर का कस्टम करता है। हाँ अच्छा देखो, तुम हम दोनों के लिए मसाले की चाय बनाओ, मोतीलाल मसाले की। हाँ, मैं बड़े भैया को जरा ऊपर पहुंचाता हूँ। आइए, कम ऑन। मोटा भाई, मैं बहुत खुश हूँ, आठला वर्ष के बाद आप छोटा भाई को मिलने को आया। Oh, don't get hurt. बुरा मत मानो। हाँ, हम तुमको मिलने नहीं आया। हाँ माया, एक मूर्ति का वास्ता है। मूर्ति? कैसी मूर्ति? You know, तुमको मालूम है, पब्लिक सर्किट हाउस में से एक कॉस्टली मूर्ति चोरी हुआ। मारीना क्या, लेकिन तुमको कैसे मालूम कि हमारे को मालूम है? सबको मालूम, the world knows. लेकिन वो मूर्ति सबसे पहले हमारे पास आएगा, and you, तुम हमारी मदद करें। हम कैसे मदद करेगा? ये तो चोरी का माल है, पुलिस, बड़े बड़े बदमाश सब उसके पीछे हैं। मोटा भाई, आप ये बात भूल जाओ, भूल जाओ। Coward, डरपोक, भूल जाओ। Never, never, never. तुमको मालूम नहीं, हम जेम्स बॉन्ड का 3 साल असिस्टेंट, गॉडफादर का ग्रैंडफादर, हम मूर्ति को कहीं से भी निकालेंगे। अरे अरे, कहाँ जा तो मुर्गी की औलाद? अरे आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, हम बना देंगे तुम्हारा ऑमलेट। कौन है? मियाँ, सब चले गए। मियाँ सब चले गए? चले गए, अच्छी तकदीरें कहो, पत्थर लेकर आया था। मियाँ झाड़ू मारकर सब साफ कर दो। साफ कर दो झाड़ू? देख तू भोपाली। हाय रा, तैयारी तैयार, ई का होई गवा, कई खंडवन में गिर गए का? खंड में? तोका कैसे मालूम पड़ गवा? अरे तोहर हालत देखे पूछे थे, किसी से फौजदारी हो गई का? अरे किसकी माँ ने दूध पिलायन है जो हमसे फौजदारी कर ले हैं? अरे वो तो रात को फार्म में डकवन की टोली आ गई। बाप रे, सबके हाथ में लंबे लंबे छुरे, लंबे चाकू और बड़े बड़े बल्लम। अरे हुई तो रहे 2 दर्जन और 1 25, और हम रहे अकेले। हाँ, और हमको तो ऐसा घेर लिया जैसे शेर को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। अरे बाप रे, फिर क्या होएगा? फिर क्या होगा? अरे तोहार शेर को आ गया जोश, ऐसा डंडा घुमाया हाँ कि उड़ गए सबके होश। हाँ? हाँ? अरे बनासी, तू कितना जख्मी हो गया रे, फार्म के सारे लोग मर गए थे क्या? अरे कहूँ सामने नहीं आया, और वो हमारे नए मैनेजर साहब जो है ना, 6 फुट और 2 इंच लंबे, अरे बिल्कुल आर्मी के जवान लगत है, अफसर लगत है। अरे वो तो ऐसे थर थर कापत रहे, ऐसे कापत रहे जैसे बिल्ली के सामने चूहा। कौन काप रहा था बनारसी? मैं मैनेजर साहब, मैं कापत रहा। और मैं का बताऊं, मैनेजर साहब ने तो ऐसी धुलाई की उन लोगन की जैसे तू कपड़े धुलाई करती है। मैनेजर साहब, क्या मारा है आपने उन लोगों को? अरे उन हराम जादों की तो 10 पीढ़ी तक औलाद जो पैदा होगी ना, गंजी पैदा होगी। सलाम साहब। सलाम साहब। देखा,
इन बड़े लोगन को कैसा मस्का लगाना पड़ता है, कितनी खुशामत करनी पड़ती है अपनी नौकरी बचाने के लिए, जैसे तुहार बाप की खुशामत करनी पड़ती है अपनी छोकरी बचाने के लिए। ओह ओह, बहुत दर्द होते का? अरे बहुत दर्द होता है, यही दर्द को बचाने के लिए तो तोहरा मीठा चेहरा देखने चले आए हम। हमका घर को पहुँचा देना गुलाबी, बहुत दर्द होता है। चला आहिस्ता, चला अरे आहिस्ता चन्ना। किसकी फोटो खींच रहा था? सच सच बता, मेरे ही खींच रहा था ना? अरे गला तो छोड़, बता तो। हाँ बता बता, जल्दी बता। वो क्या है कि कैमरे में मेरे को पहले दो भैंसे दिखाई दी और पास आने पे एक ही दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, क्या मुझे भैंस पता नहीं? मुझे भैंस बोलता है, बोल। नहीं नहीं, तू तो जीना समान हेमा मालिनी राखी सब कुछ है। लेकिन गला तो छोड़ो प्लीज। तेरे बाप की गई क्या राशन की दुकान है क्या? नहीं तो, वो तो हवेली में काम करते हैं। हवेली में? तो तू सुखलाल जी को जानती है? अरे वही तो मेरे बापू हैं। सुखलाल जी तेरे बापू हैं? कहीं तुम्हारा नाम मैना तो नहीं? हाँ हाँ, मैं मैना हूँ। मैना हूँ। और तुम? मैं तोता राम। हाय राम, तुम तोता, मैं मैना। जरा उठ जाओ, तू आए चाहे ना। प्लीज, मेरे टांगे बच गया। नहीं, मैं भारी तो नहीं? नहीं नहीं, आप भारी हैं और मैं आभारी हूँ। मेरी फोटो नहीं लोगे? जरूर लूंगा, जरा सांस ले लूं और हाथ ठीक कर लूं। जरा हंसिए। क्या हुआ जी? जरा नाजुक हंसी हंसी है ना, 100 ग्राम वाली नहीं, 15 ग्राम वाली। तो ऐसे कहो ना। हाँ ये करेक्ट है, पकड़ के रखिए हंसी को। तोता राम जी, आप कब आए? जी मैं अभी तक आया का हूँ, मैं तो अभी तक रास्ते में हूँ। और आते ही तोता को मैना मिल गई। जी शादी से पहले ही फोटो खींचने शुरू कर दिए। नहीं नहीं। मैना बेटी, तुम मेहमान को दूध लस्सी पिलाओ, मैं हवेली तक होके आता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? चलो खातिर करती हूँ। अच्छी तरह खातिर करना। ए बजरंग बली, सुना है पहाड़ों में बड़ी दौलत छुपी हुई है, लेकिन हमने देखी कभी नहीं। आप तो पवन पुत्र है, ऊंचे ऊंचे घूमते रहते हैं, कभी नीचे वालों को भी कुछ दे दीजिए। लेकिन हाँ, हीरे मत देना, पिछली बार बड़ी गालियां पड़ी थी, बहुत मार पड़ी थी, कुछ और ही दे दो, क्यों जी में आए हैं? और जब तक तुम दोगे नहीं, मैं यहां से हटूंगा नहीं, सर पटक पटक के जान दे दूंगा। ये लो। बिस्किट? अरे आज तो घरवाली ने बहुत खिला दिया है, खैर आपका प्रसाद है तो खा लेता हूं। सोने का बिस्किट? आप तो पर्वतों पे घूमते रहे, दुबई कब से जाने लगे? खैर आपको कोई क्या पूछेगा, एक काम कीजिए ना, एक आधा बिस्किट और दे दीजिए ना प्लीज, घर वाली को दे दूंगा। नहीं देंगे सर बटकू? अच्छा। ओहो ओहो, बड़ी कृपा कर रहे हैं, मैं मारे जा रहा हूँ, आप दिए जा रहे हैं। दीजिए दीजिए और दीजिए और दीजिए, वाह 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 वाह, दीजिए 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 दीजिए, बड़ी कृपा कर रहे हैं, दीजिए दीजिए। अरे भगवान, चल 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 चल, अब तो तेरे है जागने का और हमारे भागने का समय आ गया है, जल्दी से बिस्तरा गोल कर ले, नहीं तो फिर से कोई नई मुसीबत आ जाएगी। चल चल चल, क्या बात है, उठते क्यों नहीं, उठ। क्या है, काहे बापू को जगा रहे हो? बापू? अरे क्या, चुछ,
तुम्हारे बापू अब तक यहीं धरे सिधारे नहीं गए थे ट्रेन मिस हो गई। अरे ट्रेन मिस हो गई तो बस में चले जाते चार आदमियों के कंधे पे चले जाते। अच्छा है बुढ़ा सो रहा है हमारी किस्मत जा गई है चलो भाग चले। आखिर बात क्या है आज कौन सा तीर मार कर आए हो। अरे तीर मार के नहीं बिस्किट मार के आया हूँ वो भी सर पटक पटक के ये देखो ये देखो ये देख सोने के बिस्किट बापू। अपने बापरे मत कहो नहीं तो इसे पाप की कमाई समझ के छीन लेगा। मैंने हीरे तो दे दिए थे लेकिन सोना नहीं दूंगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हें रावण का साथ देना है या राम का। मैं तो चला तैयार जी नहीं मैं जा रहा था आपकी आंख खुल गई। मकौड़े पुलिस वालों की आंख 24 घंटे खुली रहती है। ये सोना कहाँ से मिला। ये हनुमान जी का प्रसाद है। ये प्रसाद हमेशा तुझे ही मिलता है कभी हीरे मिलते हैं कभी सोना मिलता है। मैं समझ गया तू जरूर स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। दया बेटे इस बार तू 7 साल के लिए दया। नहीं नहीं बापू दया करो बापू माल पुलिस तक पहुंचा दो लेकिन इसे छोड़ दो। मैं पांव पड़ती हूँ मैं वादा करती हूँ मैं आपके साथ इसे लेकर गाँव चलती हूँ। मेरा सोना।